देख सकते हो कितने लोगों का कमेंट आ चुका है मेरे पास, जहाँ पे लिखते हैं बिल्कुल सही है बात है भाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखते हैं बी विश्वास, यहाँ पे लिखते हैं ऑल गेम कंपनी के ऊपर केस करनी चाहिए। भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लोग बर्बाद हो चुके हैं और लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, और ये सभी चाइनीज गेम है और यहाँ से इंडिया से पैसा लूट के लेके जा रहे हैं। पहले तो टिकटॉक चला था और भी बहुत सारे एप्लीकेशन बैन हुए, लेकिन उसमें वो जो कमा रहे थे वो अलग तरीके से कमा रहे थे, लेकिन इसमें तो भाई हद हो गई, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट आपके जेब से ही पैसा निकाल के ले जाते हैं। और इसमें आप लोगों का भी गलती है, आप लोग खुद लालच में फंस जाते हो और इसमें आप गेम खेलने के लिए जुड़ जाते हो और गेम खेलना शुरू कर देते हो। आप आगे पीछे नहीं सोचते हो, आप यही सोचते हो कि हम जो इसमें पैसा लगा रहे हैं डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, यानी अगर 50,000 लगाएंगे तो उसको हम 1,00,000 बना लेंगे। लेकिन आप ये नहीं सोचते हो कि अगर हम 50,000 लगाते हैं हमारा 50,000 डूब जाएगा। तो इसके लिए आप किसी भी गेम में आप पैसा मत लगाइए, क्योंकि इसमें आपको जीतने की चांस बहुत ही कम है, यानी कि 99% भी नहीं है जीतने की चांस। और अगर कोई लोग इसमें जीत भी जाते हैं तो उसको पैसा निकालने में इतना परेशानी होती है, जैसे अगर आप 100 रुपये ऐड किए और 200-300 हो गया, उसको निकालना चाहते हैं तो आपसे इतना डिटेल पूछेंगे, करोड़ों रुपए दे रहे हैं। इसलिए आप किसी भी एप्लीकेशन में पैसा मत लगाइए, नहीं तो आप ही पछताओगे। और इसमें आप यहाँ पे कमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पे कितने कमेंट आए हुए हैं मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला था उस पे। यहाँ पे कोई बोलता है 2,00,000 हार गए, कोई बोले यहाँ पे 800 गया, कोई बोल रहे हैं 500 गया, कोई बोल रहे हैं भाई मेरा तो पूरा पैसा ही चला गया 50,000 60,000 70,000, ऐसे कर कर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लो कि आप जो पैसा लगाओगे 3 पत्ती गेम में, उसमें आप कैसे निकाल सकते हो और आप कैसे जीत सकते हो। तो इस सारे एप्लीकेशन आप वहाँ पे यूट्यूब पे सर्च करके भी देख लेना, आपको ऐड भर भर के मिलेंगे 3 पत्ती गेम का। आपको खुद ही सोचना चाहिए, अगर ये कंपनी ऐड चला रहा है तो ऐड तो फोकट में चलता नहीं है, उसका तो पैसा लगता ही है। तो उसका जो पैसा लगता है वो कहाँ से आता है? तो वो सब पैसे आपके जेब से ही जा रहे हैं भाई मेरे। तो किसी भी गेम में आप बिल्कुल भी पैसा मत लगाइए। और सरकार से उम्मीद है कि ये गेम को संपूर्ण रूप से बंद करनी चाहिए, ऐसा कोई सा भी, ये एक तरह से जुआ हो गया और इस जुए को इंडिया में बढ़ावा नहीं देना चाहिए और इसको जल्द से जल्द बैन कर देना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 3 पत्ती गेम में आप एक बार भी पैसा लगाने से पहले 100 बार सोच लेना, उसके बाद ही आप 3 पत्ती गेम में पैसा लगाना।